नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वास्थ्य सेहत। दोस्तों आज हम बनाएंगे चिली पोटैटो। ये एक स्टार्टर की रेसिपी है, इसे बच्चे तो पसंद करते ही हैं, ये बड़े लोगों को भी बहुत पसंद आती है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। अगर घर में किटी पार्टी है या बच्चों की बर्थडे पार्टी, उसके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए इस चिली पोटैटो को बनाना शुरू करते हैं। चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के आलू लिए हैं। इसे छील कर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में 3 गिलास पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा है। इसमें हम आलूओं को उबालेंगे। आलूओं को मैंने बड़े टुकड़ों में काटकर पानी में रख दिया है। इससे एक तो ये काले नहीं पड़ेंगे और दूसरे इनके अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाएगा। आलूओं को हम 3 बार का पानी से धुलेंगे। पहले एक पानी से इसे अच्छे से रगड़ रगड़ कर धुलेंगे, फिर से दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए इस वाले बाउल का पानी कितना धुंधला लग रहा है, ये आलू का स्टार्च है। अगर हम आलूओं को अच्छे से नहीं धुलेंगे तो हमारे चिली पोटैटो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस पानी को फेंक देंगे और वापस से इस बाउल में दूसरा पानी लेंगे और इसे एक बार का और धुलेंगे। ये देखिए वाला पानी काफी हद तक साफ हो गया है। अब जो हमने गैस पर पानी को गर्म होने के लिए रखा था उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे मिला देंगे। अब पानी में आलूओं को डाल देंगे। आलूओं को हम पानी में 5 से 6 मिनट तक उबालेंगे। इससे इसके अंदर जो भी स्टार्च रह जाएगा वो पानी में आ जाएगा और आलू आधे कुक भी हो जाएंगे। बीच बीच में इन्हें हिलाते हुए रहेंगे ताकि आलू चारों तरफ से पक जाएं। यहाँ मैंने 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज को इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और 3 हरी मिर्च को भी लंबाई में काट लिया है। ये देखिए पानी में भी अच्छे से उबाल आ गया है। 5 मिनट हो गए हैं, आलू 50% कुक हो चुके हैं। बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आलूओं को बाहर निकाल लेंगे। सारे आलूओं को हमने बाहर निकाल लिया है। आलूओं को तलने के लिए पहले हम गैस पर कढ़ाई को रखेंगे और उसमें तलने के लिए तेल डाल देंगे। जब तक तेल गर्म होता है चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। 1 बड़े बाउल में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से ही बना सकते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिला देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल ना तो बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। ये देखिए घोल हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें आलूओं को डाल देंगे और अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। चम्मच की सहायता से इन्हें गरम तेल में डाल देंगे। एक बार में कढ़ाई में जितने आलू आ जाएं, उतने आलू को डाल देंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इन्हें पलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुके हैं, अब फ्लेम को हाई कर देंगे और थोड़ा सा आलू को और क्रिस्पी कर लेंगे। आलू बहुत क्रिस्पी हो गए हैं, अब इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से सारे आलू को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आलू कितने अच्छे से पक गए हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी पर अंदर से देखिए कितने सॉफ्ट हैं। सभी आलूओं को हमने फ्राई कर लिया है। अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर रखेंगे
अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल छोड़कर बाकी का तेल हमने निकाल दिया है। अब गरम तेल में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फिर इसमें हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च जिसे हमने काट कर रखा था उसे डाल देंगे। कुछ सेकंड तक इसे सौटे करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से ही कीजिएगा क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से तेल काफ़ी उछल रहा है। अब इसमें हम 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच विनेगर को डाल देंगे और 2 छोटे चम्मच ही सोया सॉस को डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप थोड़ा सा ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि जो भी सॉस हमने इसमें डाला है उसमें भी नमक रहता है। अब 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर को डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अब कॉर्नफ्लोर वाले घोल को कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें आलूओं को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हमारा चिली पोटैटो एकदम तैयार है। अगर आप हनी चिली पोटैटो बनाना चाहते हैं तो यहीं पर 2 चम्मच शहद डाल दें। आपका हनी चिली पोटैटो तैयार हो जाएगा। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर 1 चम्मच भुना हुआ तिल डाल रही हूँ। आपको पसंद हो तो डालें, बना रहने दें। बहुत ही स्वादिष्ट चिली पोटैटो बनकर तैयार हो गया है। इन्हें तो देखकर ही मुंह में पानी आने लगा है। बच्चे तो खुश हो जाएंगे इसे खाकर। अब इसे खाने के लिए होटल में जाने की जरूरत नहीं है। आप होटल जैसा चिली पोटैटो घर में ही बनाकर अपने परिवार को स्वाद और सेहत दोनों दे सकते हैं। तो आप भी इसे जल्दी से बनाइए। इसे खाकर पेट भले ही भर जाए पर मन नहीं भरेगा। इतना टेस्टी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में एक घंटी बनी हुई है उसे दबा दीजिएगा। इससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।